नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि पथ टुडे। राजस्थान के राजनीतिक रण में हम लोगों से बातचीत करते करते एक बहुत बड़े धाम पर पहुंचे हैं, गोगा मेड़ी धाम, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप यहां पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि देवस्थान विभाग मंदिर श्री गोगा जी गोगा मेड़ी, ये वो मंदिर है जिसकी बहुत दूर दूर तक मान्यता है, चर्चाएँ हैं। और जब हम राजस्थान के चुनाव को लगातार कवर कर रहे थे तो हम गोगा मेड़ी पहुँचे, और गोगा मेड़ी जब हम पहुँचे तो हमें मालूम पड़ा कि इसकी मान्यता सिर्फ यहाँ हरियाणा, राजस्थान या आसपास के क्षेत्र में ही नहीं, गुजरात तक है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक गुजरात से आया हुआ परिवार मिला और इनसे बातचीत करने का मौका मिला कि गुजरात से यहाँ तक आए हैं, कितनी बड़ी मान्यता है, कितनी आस्था रखते हैं। तो बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम? बाबू गिरी गणेश गिरी गोस्वामी। आप कहाँ से आए हैं? हम बनासकांठा जिले के थरा तहसील के रानीश्री गांव से आए हैं। गुजरात से आए? हाँ, गुजरात से। आप लोगों में क्या मान्यता है कि आप गुजरात से हजारों किलोमीटर चल के यहाँ आए? हमारे को मान्यता ऐसी है कि गुजरात के अंदर गोगा जी का हर जगह धाम है, और ये गोगा जी चौहान है, इसलिए हम इसको जन्मभूमि और ये मंदिर देखने के लिए आए, गोगा मेड़ी आए जी। आप पहली बार आए हैं अपने परिवार? हाँ, पहली बार आए। कौन कौन आए हैं परिवार में? हम हैं, हमारे घरवाली है, हमारे दो बच्चे हैं, एक बहू है, बेटी है, एक नहीं बोल नहीं सकती, एक हमारा भगत है। चलो, भगवान से दुआ करेंगे कि परमात्मा इनकी भी सुने और इनकी आवाज़ भी लौटाए। भगत जी, आप बताएं क्या मान्यता है आपके गुजरात में और यहाँ पर? हमारे यहाँ ये गुजरात दूर गए, हमें यहाँ से गया था, गोगा जी यहाँ हैं तो देखने के लिए आया। हमारे गांव में भी गोगा जी है, पर जलम भो भी गोगा जी की यहाँ है, तो ये देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आए जी। कितना समय हुआ आपको गुजरात से चले हुए? अभी हाँ, गुजरात राजस्थान के नाके, राजस्थान के अंदर ही जगह है, नजदीक ही लगता है, नजदीक ही लगता है आपका। हाँ, चलो इनसे आप क्या यहाँ पर आए हैं गुजरात से चल करके, क्या मान्यता आप लोग मानते हैं और आज दर्शन करने के लिए आए हैं वो भी बताएं। हमारे वहाँ गोगा जी का धाम है हमारे गांव में, और हमारे ससुर जी से थे, वो गोगा जी के भगत से और भोपा जी थे, इसके लिए हम उधर भी गोगा मेड़ी बनाई रखी है, उधर भी भगत बहुत आते हैं हमारे वहाँ, हम सेवा भाव करते हैं और इधर दर्शन करने के लिए आए। दर्शन परिवार के साथ आए? परिवार के साथ आए। परिवार में हमारे, हम दोनों हैं, पति पत्नी, और हमारे बहू है, बेटा है, दो बेटा है, एक हमारे जेठ के लड़का का लड़का है, और ये भगत है, एक मेरी बच्ची है, ये बोल नहीं रही है, उसको भी लेके आए। चलो, आपको भी भगवान आशीर्वाद देगा और अच्छा लग रहा है। चलो, जय जय करने, खुश रहें, जय जय करने। आप बताएं भाई साहब, कैसा लगा? बिल्कुल बढ़िया लगा, और इसीलिए आए थे, बहुत सालों से तमन्ना भी थी कि भाई गोगा जी का जन्म स्थल कहाँ है, समाधि स्थल कहाँ है, क्योंकि हमारे पुख्तों से बहुत लाइक इनकी पूजा करते आ रहे हैं, बहुत बड़ा मंदिर भी बना है, बहुत भगत भी आते हैं, पर इनका मूल स्थान कहाँ है वो हमें पता चला, तो फिर हम लोग इतना ट्रैवल करके आए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप गिरी, बाबू गिरी गोस्वामी। संदीप गिरी जी, आपको यहाँ आकर के जहाँ से मान्यता शुरू होती है, यहाँ से इनका जन्म स्थान है, तो कितना अच्छा अनुभव हो रहा है? बिल्कुल बढ़िया अनुभव हो रहा है, एकदम श्रद्धामय प्रतीत हो रहा है सब कुछ, और फैमिली के साथ आए हैं, और आगे भी चाहेंगे कि जो हमारे वहाँ भी भक्त आते वो भी देखें समाधि स्थल, कि यहाँ पे राजस्थान में हरियाणा बॉर्डर के पास ये इतना बड़ा धाम बना हुआ है। आपका कैसा यहाँ का अध्यात्म अनुभव रहा? बहुत अच्छा, और हमारे तो घर पे ही मंदिर है, तो अभी ऐसा घर जैसा ही आभास हो रहा है कि हम घर में ही है अभी, इतना दूर से आए। मेरा नाम गोविंद गिरी गोस्वामी। गोविंद जी, जब आप वहाँ से चले तो आपको मन में क्या भाव थे कि हम वहाँ जा करके कैसे दर्शन करेंगे? क्या हमें ऐसे तो हम बीच में जितने भी धर्म स्थल आए सब जगह दर्शन करते करते आए, लेकिन ऐसा हमारा मेन तो इधर आने का ही था, क्योंकि हमारे घर पे मंदिर है लेकिन जन्म स्थल इधर है, हमारे वहाँ मंदिर है, तो हमें एक बार 2-3 साल से प्लानिंग चल रहा था, लेकिन बहुत दूर है, तो अभी आके बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, मतलब 2-3 साल बाद ही सही आज आपकी तमन्ना पूरी हुई जी? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है जी। आपका नाम? दशरथ गोस्वामी है मेरा, मेरे पिताजी नाम बाबू गोस्वामी, दादा मेरे गणेश गिरी थे, और वो बहुत बड़े भगत गोगा जी थे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, और गोगा जी के दर्शन करने के अनुभव बहुत अच्छा रहा जी। आपको कैसा लगा परिवार के साथ आके? बहुत अच्छा लगा। तो क्या मन्नत मांगने आई हैं आज प्रभु जी? ऐसे ही जलन भूमि देखने के लिए आए, दर्शन करने और
देख लीजिए, यहाँ पर एक पूरा परिवार गुजरात से आया है और इनकी आस्था है, इनके वहाँ भी गोगा मेडी का मंदिर है, धाम है, लेकिन इनकी मान्यता है कि जो इनके वहाँ पर जो गोगा मेडी के मंदिर हैं उनका जन्म स्थान यहाँ से हुआ है, उनकी जो निकासी है वो यहाँ से हुई है और उसी को देखने के लिए, उनकी धर्मस्थली को देखने के लिए यहाँ पर पूरा परिवार गुजरात से आया है। तो प्रभु से हम भी कामना करते हैं कि जो परिवार इतनी दूर से आया है, इनकी जो मन्नतें हैं वो गोगा मेडी दरबार में आके ज़रूर पूरी होंगी। गोगा मेडी दरबार में दर्शन उपरांत हम पहुँचे उनके परिवार के सदस्य, आज जो उनकी पूजा पद्धति है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उनके वंशज है यहाँ पर हमारे साथ। आपका नाम भाई साहब? मिंटू राणा। मिंटू राणा जी, ये जो प्रचलन चला रहा है गोगा मेडी का, कितने वर्षों पुराना है और मान्यता क्यों है इनकी? ये तो बहुत वर्षों, 12 साल पुराना है। तो इनकी जो मान्यता है उसके बारे में क्या धारणा है? मान्यता सभी धर्म के लोग मानते हैं, पूजा करते हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली आते हैं। तो आप इनके वंशज हैं, कितने परिवार हैं आप लोगों के? हमारे 70 घर हैं। 70 घर हैं आप लोगों के? तो पूजा पद्धति आप करते हैं? हाँ हाँ, हम पुस्तैनी पुजारी हैं। पुस्तैनी पुजारी। तो एक जो गोगा जी की छड़ी बोला जाता है उसका क्या महत्व है? छड़ी का तो पता नहीं। अच्छा, तो इसकी पूजा पद्धति क्या है? मेला कब से कब भरता है? मेला भरता है 2 में 1 महीने। 1 महीने लगातार भरता है। देखिए, यहाँ पर इन्होंने बताया कि किस प्रकार से पूजा पद्धति होती है और यहाँ मैं आपको तस्वीरों में दिखा भी दूँ कि यहाँ पर इनका जो रहन सहन है, यहाँ पर ये तमाम वो लोग हैं जो गोगा महाराज जी के, गोगा पीर जी के वंशज बताए जा रहे हैं और यही यहाँ पर पूजा पद्धति होती है। और इसके साथ साथ ये आपको मैं लगातार इसका पूरा भ्रमण दिखाया कि अंदर किस प्रकार से जो उनका मंदिर है जहाँ पर मान्यता है, और सिर्फ राजस्थान ही नहीं, इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और तमाम बहुत दूर दूर से राज्यों से लोग आकर के यहाँ पूजा पाठ करते हैं और बताया जाता है कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लगातार आपको हम गोगा मेडी धाम की तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ के महत्व के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे दुकानदार हैं जो यहाँ पर अपनी दुकान सजाए हुए हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। भाई साहब, कितनी बड़ी मान्यता है और क्यों है? मान्यता तो सर इसकी है कि ये 36 कौम बिरादरी है ना, इसको गोगा जी महाराज को मानती है और यहाँ ऑल इंडिया से 12 महीने का ये दर्शन होते रहते हैं इसमें, और जो यहाँ से श्रद्धालु आते हैं ना वो खाली हाथ नहीं जाते, वो सबके हाथ खाली आते हैं पर खाली हाथ जाते नहीं है, मनोकामना पूरी होती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी असलम। असलम जी, यहाँ पर सभी धर्म की मान्यताएं बताई जा रही हैं? हाँ, सभी धर्म के, 36 कौम की बिरादरी के यहाँ सभी धर्म की मान्यता होती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबकी मान्यता है, सब धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं। तो आप धर्म... कितने समय से यहाँ पर दुकान लगाए हुए? हमारे कम से कम होगी 13 साल से। आपके बड़े भी यहाँ? हाँ, बड़े यहाँ से चल रहे हैं। तो मेन जो मुख्य यहाँ का मेला जो भरता है वो किस महीने में भरता है, कितने दिन? भादवा के महीने में भरता है, या भादवा में कम से कम 50 लाख श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। एक महीने में पूरा? तो बड़ी मान्यता है। हाँ, बहुत ज़्यादा ऑल इंडिया की मान्यता है ना जी। हाँ जी जी। देखिए, यहाँ पर जो दुकान सजाए हुए हैं उन्होंने भी बताया कि बहुत बड़ी मान्यता इनकी है और एक महीने का जो मेला भरता है यहाँ पर, उस मेले में लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। गोगा मेडी की मान्यता सिर्फ राजस्थान ही नहीं, राज्यों में भी है और लगातार इनकी मान्यता को लेकर के लोगों में चर्चाएं हैं। और इनका मानना है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो खाली हाथ आते हैं लेकिन झोली भर कर जाते हैं। अपने सहयोगी जगदीप के साथ अनूप कुंडू, गोगा मेडी, राजस्थान।